गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आप लोग क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री पढ़ते हैं। अब जनरल एंट्री में जो सिंपल जनरल एंट्री थी बेस्ड ऑन अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल, उसको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जो भी स्टूडेंट्स इसको नहीं देखें, पहले मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में जाएँ और प्रीवियस वीडियो देखें। जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आगे का समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो वो है गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो भी एंट्री पास होती है उसको आज लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का मीनिंग क्या होता है, गुड्स होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स आर दोज थिंग, हम गुड्स उस थिंग से रिलेट करते हैं विच आर परचेज फॉर रीसेल, जिसको हम लोग परचेज करते हैं ऑन द पर्पज ऑफ रीसेल, मतलब दोबारा बेचने के लिए। अगर मेरा कोई बिजनेस है, अगर उसमें कुछ भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम उसको लाकर अपने यहाँ स्टॉक करें रखें। मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसको इन फ्यूचर हमको कभी ना कभी उसको क्या करना है, रीसेल करना है, सेल आउट करना है। तो ये हुआ गुड्स का मीनिंग। अब पास एंट्री जो होती है, जो एंट्री पास करना हमको, अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री देर आर 5 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर जनरल एंट्री। यहाँ पर 5 प्रकार की जनरल एंट्री होगी रिलेटेड टू गुड्स। जो है वो पहला है परचेज अकाउंट, दूसरा है परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, तीसरा है सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, चौथा है सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, पांचवा है स्टॉक अकाउंट। अब ये 5 इससे रिलेटेड हमको एंट्री यहाँ पर पढ़ना है। ये जो देख रहे हैं, देर आर 5 एंट्रीज पास इन जनरल अकाउंट रिलेटेड टू जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। ये जो 5 है सब के सब नॉमिनल अकाउंट है, सब के सब नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग परचेज अकाउंट को भी नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स भी, सेल्स रिटर्न भी, स्टॉक भी। ठीक, अभी नॉमिनल अकाउंट है तो एक एक हम पहले देखेंगे कि जो परचेज है उसकी पहले क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट। तो जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे होगी, हम लोग कोई भी अपने बिजनेस के लिए माल परचेज कर रहे हैं, एक तरह से मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक तरह से मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द इनकम और इनकम और प्रॉफिट और क्रेडिट, मतलब जितने भी लॉस होंगे, एक्सपेंस होंगे, हम उसको डेबिट करेंगे और जितने भी हमारे प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम परचेज कर रहे हैं, एक तरह से मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट। तो इसका जो भी एंट्री होगा, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, परचेज डेबिट होगा। अगर हम माल कैश में परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम किसी से उधार परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, जो भी अपना वहाँ पर रहेंगे उनका नाम आएगा। ठीक, तो इसका ऐसे करेंगे। सेकंड परचेज रिटर्न है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ परचेज, परचेज का जो एंट्री हुआ उसी के जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न होगा। अब परचेज किया हुआ माल, मतलब मेरा खरीदा हुआ माल किसी कारणवश या किसी रीजन वो माल गड़बड़ हो गया, तो हम उसको ले जाते हैं, दोबारा क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो उसका जो भी बैलेंस होता है हमको क्या होता है, मिलता है। इससे मेरा कैश क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो मेरे पास कैश आ जाता है, तो एक तरह से मेरा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो परचेज रिटर्न शुड बी क्रेडिटेड, तो हम इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अब थर्ड की बात करेंगे सेल। तो जो अगर मेरा बिजनेस है उसमें हम कोई भी आइटम्स, कोई भी गुड्स अगर सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उससे मेरा अगर कुछ भी है बेचेंगे तो कैश मेरे पास आएगा। तो जब कैश आएगा और सेल के फॉर्म में आएगा, तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है
कि ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, मेरा यहाँ पर इनकम हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। जो फोर्थ वाला है इसी का जस्ट अपोजिट होगा, अगर यहाँ पर सेल्स रिटर्न है तो हम इसको क्या करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स मैंने बताए सब कैश रिलेटेड है। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है उससे अगर उधार हम लोग परचेस किए हैं तो कैश की जगह उसके क्या आएंगे नेम आएंगे। ये चार एंट्री देख रहे हैं। अब यहाँ सेल्स रिटर्न भी डेबिट हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा बिका हुआ माल था मेरे पास वापस आ गया, इस तरह से मेरा क्या हुआ लॉस हो गया, लॉस हो गया, इसलिए हम इसको सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पांच चार एक जो था एंट्री ऐसे हम पास करेंगे। इसके अलावा एक हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर कल या आज ही आप लोग स्टॉक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं, जो जितने टाइप्स के होते हैं उसकी एंट्री क्या क्या होती है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि टाइप्स ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज द एंट्री ऑफ दैट स्टॉक, उस स्टॉक की एंट्री क्या होती है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करना है कमेंट करके बताना है। आगे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर देर आर सिक्स एग्जाम्पल्स, हम सिक्स एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। अब एक एक एग्जाम्पल को हम एंट्री पास करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसका फॉर्मेट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि जनरल एंट्री जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, पहला कॉलम क्या होता है डेट का, सेकेंड होता है पार्टिकुलर का, इसको पार्टिकुलर का, फिर उसके बाद क्या होता है एलएफ का होता है, ये हो गया एलएफ हो गया, इसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये डेबिट का अमाउंट हो और ये क्रेडिट का अमाउंट है, ठीक है। अब एक एक एंट्री हम पढ़ते हैं। पहला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कोई भी माल कैश में क्या किया है बेचा है, तो कैश में अगर कोई भी माल बेच रहे हैं तो मेरा एक तरह से क्या है प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होगा माल मेरे पास से जाएगा और कैश मेरे पास आएगा, तो जो फर्स्ट है उसकी एंट्री हम करेंगे क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से 2000 से, अब 2000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे नरेशन में कि बीइंग गुड्स आर सोल्ड विथ कैश, विथ कैश, एक एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुई, तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेकंड देखते हैं। हम यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू रवि, अगर हम लोग कैश की बात यहाँ पर नहीं बोला है या कैश का कहीं भी नहीं नाम आया है, इट मीन्स कि यह क्या है क्रेडिट पर सोल्ड किया गया है, मतलब कैश की जगह क्या आएगा उसका नाम आएगा, बट एंट्री क्या होगी वही होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसको बेचा रवि को, तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 5000 से, तो 5000 यहाँ पर डेबिट और 5000 क्रेडिट। नरेशन में आप लोग नरेशन लिखिएगा वही बीइंग गुड सोल्ड टू रवि, मैंने माल बेचा किसको रवि को। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कोई माल परचेज किया कि कैश में, तो कैश में परचेज किया इस तरह से मेरा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ खर्चा हुआ, तो परचेज क्या होगा डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से 3000, तो 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट। नेक्स्ट है इसका, अरे वही पूरा कैमरा यहाँ तक आएगा तो उसमें दम नरक कर देता हम बढ़वा दो मिनट बदे खाली कैमरा यहाँ तक आओ था। और हम लोग फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन,
मतलब कोई भी माल जो गुड्स है परचेज किया किससे, रोहन से। यहाँ भी कैश की बात नहीं बोला है तो हम लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, कैश की जगह क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। अब रोहन अकाउंट लिखेंगे, रोहन अकाउंट कितने से, यह है रोहन 3000 से, तो 3000 इसमें और 3000 इसमें, ये 5000 है, ये भी 5000 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्लोज करेंगे और लिखेंगे फोर्थ नंबर, फाइव नंबर। फाइव क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझना है कि रिटर्न गुड्स टू अतुल, मतलब मैंने अतुल से परचेज किया था कोई भी सामान, उसको आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, किसको, अतुल को। तो खरीदा हुआ माल क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, पाने वाला कौन हो गया, अतुल। अगर इसको पर्सनल अकाउंट के रूल से करेंगे तो रिसीवर द डेबिट एंड गिवर द क्रेडिट। अतुल क्या कर रहा है, माल रिसीव कर रहा है तो रिसीवर द डेबिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतुल्स अकाउंट डेबिट, अतुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट कितने से, 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। अब एक लास्ट एंट्री है, इसको भी क्लोज करते हैं। नरेशन आप लोग अपने से लिखिएगा जो ये क्वेश्चन में लिखा है, अगर यही यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं तो वही उसका नरेशन हो गया। नेक्स्ट सिक्स है कि चारू रिटर्न्स गुड्स, मतलब चारू को हमने क्या किया था, माल बेचा था, अब वो मेरे पास क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हमने चारू को माल क्या किया था, सोल्ड किया था, अब वो क्या किया, हमको रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास माल आ गया और चारू को क्या गया, मैंने पैसा दे दिया, मतलब पैसा मेरे पास से गया और माल मेरे पास आ गया। तो हम इसको लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न किस फॉर्म में है, सेल्स रिटर्न फॉर्म में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, टू चारू कितने से, 1000 से। अब यहीं पर कैश होता तो हम यहाँ पर चारू की जगह कैश लिख देते हैं। अब इस तरह से मेरा अकाउंट यहाँ से क्लोज हुआ यहाँ तक। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम टोटल पैसा कर लेंगे, 2, 3, 3, 6, 10, 16, 2, 18, 10, 2, 12, 3, 15, 3, 18, मतलब 18000 का ये है और 18000 का ये, दोनों साइड कैश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको ऐड करके ऐसे दिखा देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गुड्स से रिलेटेड परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टाफ, स्टाफ का मैंने एंट्री अभी नहीं बताया, वो आप लोग को होमवर्क में दिया है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी चार जो है उसको बताया, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट होता है, उससे रिलेटेड जो एंट्री है उसको मैंने एंट्री करके दिखाया। बाकी आप लोग को जो भी न चीज समझ में न आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसको हम अगले वीडियो में उसका सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।